देखिए ये चार्ट है आपके लिए, चार्ट खाने वाला नहीं, चार्ट है ये। ये चार्ट किसके लिए है? आपके लिए, आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैंने बताया था इसको जनरली नाम लिख दिया जाता है, कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगराइजेशन देखिए, ये सब एक एक कैटेगरीज हैं, एक एक कैटेगरी है, रैंक है, टैक्सा है, बस समझ रहे हैं ना। और ये हिरार्ची है, क्रम, फाइलम, क्लास। ये इधर देखिए, ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इधर से जाएंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग। इधर से आएंगे कौन ऑर्डर होगा? एसेंडिंग। याद कर लीजिएगा पहले, अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो कैसा ऑर्डर होगा? अगर इधर से इधर जा रहे हैं, देखिए तीर का ऐसा नीचे बना दे रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो कौन, क्वेश्चन पूछ देता है इस पर, कौन ऑर्डर है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब उतरने वाला। अगर इधर से इधर जा रहा है ऐसे तो कौन ऑर्डर होगा? एसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको याद करना है, असेंडिंग ऑर्डर में याद करेंगे, डिसेंडिंग में आपकी प्रॉब्लम है। बोलिए ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको याद करेंगे आपकी प्रॉब्लम है। हमारी जो प्रॉब्लम है मैंने बता दी आपको। देखो इधर, सबसे पहले आप देख रहे कॉमन नेम, आदमी को तो जानते ही है कौन, ह्यूमन बींग, मैन है। इनका नाम पूरा होमो सेपियंस है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। ये कौन है? जीनस है, ये स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। ये नाम को कौन किस में लिखा जाता है, किसके अनुसार? एक आइन टू ICGTN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामन क्लेचर, उसी भूमिका में लिखा जाता है। ये होमो सेपियंस है, जीनस है, ये स्पीसीज है, याद रखिएगा। इसमें इसको स्पीसीज देना चाहिए और अच्छा हो जाता, जीनस था ही लेकिन ठीक है। होमो सेपियंस, ये हमारी आपकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? आपकी, हमारी नहीं चल रही है, बात खत्म हो गई। होमो सेपियंस, होमो जीनस, सेपियंस स्पीसीज। होमो में कैपिटल एच, यहाँ पे स्मॉल एस। जीनस को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से शुरुआत, कैपिटल लेटर से करेंगे, और स्पीसीज में स्मॉल से शुरू करेंगे, याद रखिएगा, मैं बता चुका हूँ। और दोनों को अंडरलाइन कर देंगे अलग अलग, अगर आप हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो, मैं आपको पढ़ाया था ना अभी, अगर हैंड राइटिंग लिख रहे हैं दोनों को अलग अलग कर देते हैं, अंडरलाइन, एक साथ अंडरलाइन करें गलत, तुम्हारी अधूरी कहानी हो जाएगी। बोलिए है कि नहीं? ये गया। अब इनका जीनस कौन है? होमो, या पहला पकड़ लो, इन होमो हो गए, फैमिली होमिनिडी हो गई, हम बंदर भी आता है, क्या करेंगे? कहेंगे बंदर भगा दे, है तेरे फैमिली में तो क्या करोगे, हम लोग का पूर्वज है बेचारा बंदर, क्या प्रॉब्लम है आपको? होमिनिडी, अब बंदर भी ठंडा पीने लगा, पता नहीं अल्कोहल पीने लगा, कल देख रहे थे रम पी रहा था इसे यूट्यूब पे, और ढड़ पी रहा था खोल के, हाँ यूट्यूब पे नहीं पी रहा था, दिखा रहा था, बनारस दिखा रहा था कि इधर देखो, थीव मंकी, बंदर, चोर बंदर, उकुल क्या किए, फ्रिज खोल करके डीप फ्रीजर बड़का वाला था, उसमें जितना ठंडा था कुल निकाल निकाल ले, भाग रहे हैं ऊपर, अब भाग कुल दांते से खोल खोल गड़गड़ पी रहे हैं कुल, अब पी रहे थे खोलने के आनंद आए थे, मुँह चिढ़ा रहे हैं सबको, अजीब से दिखा रहे हैं यहाँ पे। यह देखो होमिनिडी, बंदर में, ह्यूमन बींग में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फैमिली तो एक ही है, एक ही फैमिली से कई लोग होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत, एक के फैमिली अपने मेंबर घर पे देखो ना, कुछ बहुत तेज आते हैं, कुछ बहुत गधे होते हैं, कुछ दुष्ट टाइप के होते हैं, कुछ का विचार अलग होता है, कुछ का विचार अलग होता है। बोलिए ना, कौन नाखून बड़ा बड़ा रखते हैं, कौन नाखून छोटा छोटा रखते हैं, कौनों जो इधर देखो, कौन दांत अपना तोड़वा लेते हैं, कौन दांत इधर टेढ़वा कर लेते हैं, उसे चाइन लगवा लेते हैं, अलग अलग प्रोसेस है। कौन मरकहा टाइप के होते हैं, कौन बहुत जेंटल टाइप के होते हैं, कौन झगड़ालू टाइप होते हैं, कौन सीधा टाइप होते हैं। देखो
फैमिली में तो यहाँ पे होमिनिडी फैमिली, आर्डर कौन? प्राइमेटा। आर्डर कौन है? प्राइमेटा। फर्स्ट रैंक, प्राइमेट का मतलब ये था फर्स्ट रैंक पे, आप क्लासिफिकेशन के अपेक्स पर हैं। कहाँ पे? अपेक्स पे। प्राइमेटा। क्लास कौन है? मैमेलिया, अस्तनधारी। अस्तनधारी का एक लक्षण विदाउट एनी एक्सेप्शन, इधर से नहीं बोलेंगे इधर बोलेंगे, बिना एक्सेप्शन मैमेलिया का एक लक्षण बता दीजिए। बिना एक्सेप्शन के एक मैमेलिया का एक लक्षण बताइए, अस्तनधारी का एक लक्षण जिसमें कोई अपवाद ना हो। देखो बोला सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये अपवाद है इसमें। स्लाथ, उसमें वर्टिब्रा की संख्या घट बढ़ जाती है, बताया था आपको। बताइए, हमने पूछा बिना एक्सेप्शन के मैमेलिया का कौन सा अपवाद है? मुंह निकलेगा और तो अपने आप पे। मेमोरी ग्लैंड विदाउट एक्सेप्शन उसका क्या है? कैरेक्टरिस्ट फीचर है मेमोरी ग्लैंड। दुग्ध ग्रंथियां, अंडे देने वाला स्तनधारी होता है डकविल प्रेडिपस, आर्निथोरिंकस, एकिडना। एकिडना डकविल प्रेडिपस होता है, आर्निथोरिंकस एंट ईटर होता है, स्पाइनी एंट ईटर। लेकिन दोनों में क्या पिकुलियरिटी है? निपस नहीं उसके पास, लेकिन मेमोरी ग्लैंड है, दूध को सार्वजनिक कर देता है, उसे बाल पर लड़के बच्चे जो उनके होते हैं अंडिस निकलते हैं वो लिपिंग लैपिंग करते हैं, लैपिंग से चाटते हैं जीभ से, पी नहीं पाते, सकलिंग नहीं करते। तो मैंने क्या कहा? मेमेरिया में पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेमोरी ग्लैंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, मेमोरी ग्लैंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना अपवाद के। बंद कर पूरा बेटा, बिना किसी अपवाद के मेमोरी ग्लैंड मेमेलिया का लक्षण। कार्ड डेटा, नोटो कार्ड पाया जाएगा जीवन के किसी न किसी अवस्था में, कंफर्म है, बोलिए है कि नहीं है? आज वर्टिब्री है तो नोटो कार्ड कब था? फीटल लाइफ में, याद करिएगा, फीटल लाइफ में। इम्ब्रियन लाइफ में क्या था? नोटो कार्ड। लेकिन आज नोटो कार्ड है क्या आपके पास? नहीं है। क्या है? वर्टिब्री। नोटो कार्ड रिप्लेसेंट वर्टिब्री। बहरहाल छोड़े सब बातें, ये सब बहुत बकवास की चीज़ें, नहीं याद करना आपको। ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम है, फाइलम क्या है? क्लास क्या है? मैमेलिया। आर्डर क्या है? हम अगर न सुना पड़ा पड़ मारेंगे आकर, जो जो मुक्का मार दो दिन छुट्टी में जाकर तेल लगा रहा सोबो सब लोग। फाइलम क्या है बोलिए? फाइलम क्या है? कार्डेटा। क्लास? आर्डर प्राइमेटा। होमिनिडी क्या है? ये फैमिली। जीनस, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, कॉमन नेम मैन। मैन कह दिया, औरतें कहाँ जाएंगी? उनने कहा नहीं है, मैन या वोमेन दोनों को ही है। मैन और वोमेन अगर दिख देगा घबराओ ना, टेंशन ना लियो। नहीं कहें सर जी, आप कह रहे दैट इज डिफरेंस, एना डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? मेमोरी ग्लैंड पाया था तुरंत, मेमोरी ग्लैंड नहीं पाया था। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है मेमोरी ग्लैंड। सुनो, दूध नहीं पिला रहा तब भी निपल्स पाया था आदमियों में, क्या जरूरत है? जाकर ऑपरेशन करवा ले सब लोग से, कर दो। अब क्या कर, धीरे धीरे यह देखो। फिर आता है नंबर किसका? हाउस फ्लाई का। किसका? आम मक्खी का, भिनभिनाती जो हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। इसका नाम मस्का डोमेस्टिका है। मुस्का याद करो तब याद है डोमेस्टिका। हाँ भैया, मस्का डोमेस्टिका। मस्का मतलब जीनस, डोमेस्टिका मतलब स्पीसीज। मस्का जीनस, डोमेस्टिका। मस्का क्या है? जीनस। फैमिली मस्किडी, जिस जो नाम है उसी का अगर डी लगाना खाली, मस्किडी। किस आर्डर का है? डिप्टेरा का। याद कर रहे के रट मारे, और जेके कल नहीं रटा रहा, कल छुट्टी नहीं करेंगे, अब पढ़ाएंगे तब। डिप्टेरा हो गया, डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। क्लास क्या है?
इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्लास है ये एनिमल किंगडम का, सबसे बड़ा क्लास कौन है, इंसेक्टा। हर दसम से सातवा, सात अगर एनिमल हैं तो सात एनिमल किसके होंगे, इंसेक्टा के। नहीं समझे, अगर 10 एनिमल को रेशियो निकाला जाए तो 10 में से 3 अगर सबके होंगे तो उसमें से 7 कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जियोग्राफिकल उसमें शायद जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी में है कि इसमें शायद बायोडाइवर्सिटी में है, समझ रहे हैं ना, इंसेक्टा जो उन्हें व्यवहार से कोई मतलब। इंसेक्टा क्या है, लार्जेस्ट क्लास, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, वैल्यू और वेराइटी दोनों में, वैल्यू और वैरायटी दोनों में। और इंसेक्टा कौन है, लार्जेस्ट क्लास, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्किडी, जीनस मस्का, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। बोलिए, कॉमन नेम हाउस फ्लाई, कोई प्रॉब्लम, फिर चलते हैं आगे देखते हैं, ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। अब इधर देखिए आगे, ये एंजियोस्पर्म है, सुनो जी, अब तू उनका साथ नहीं भाई, वो जन्म मुकाम आए टेणु जी, वो भैया तुरंत एकदम बोलो ना, अभी बोलिए तो छेद देंगे इसे, नहीं लगा दें काला काला निशान। सुनो, 5 दिन बाद आना लग रहा था इनको, तबीयत की खराब रही है, वो कह रहा था कमर तबीयत खराब। एंजियोस्पर्म, अच्छा रुक जाओ बताते हैं, ना आप तो चेक कर ले रहे ना, ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म सुनो, एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें सीड विथ सीड कोट, सीड विथ सीड कोट, सीड जो होता है सीड कोट के साथ होगा, डाइकॉटिलेडंस, दो दाल वाले, इधर देखो दो दाल वाले मैंगो को, अगर आप ऐसे मैंगो का जो जिसको किसुली कहते हैं उसको काटेंगे तो बीचों में से दो दाई से दो फाड़ होगा, ऐसे दो फाँक कैसे हो जाएगा, इसलिए डाइकॉटिलेडंस है। एंजियोस्पर्म तो है, डाइकॉटिलेडंस है, और सैपिंडेल्स कौन है, ये सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स याद कर लो, सैपिंडेल्स कौन है, आर्डर। एनाकार्डियेसी फैमिली, एनाकार्डियेसी फैमिली हो गया। जीनस कौन है, मैंगीफेरा, जीनस कौन है, मैंगीफेरा। और इधर देखिए कॉमन नेम क्या है, सॉरी जो बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इंडिका नीचे लिखा, जबकि सामने लिखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हम छोटा सा इसको बना दिए थे, खाना हो गया, ये मैंगो है। अगर इधर देखेंगे तो मैंगो निकामन, मैंगीफेरा इंडिका है जीनेरिक और स्पेसिफिक नेम, जीनस नेम मैंगीफेरा, एनाकार्डियेसी फैमिली है, और आर्डर जो है सैपिंडेल्स है, सैपिंडेल्स है, डाइकॉटिलेडंस है, एनजीओ स्पर्म, क्या प्रॉब्लम है। फिर देखो नेक्स्ट है वीट, वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ एक, उसमें दो दाल नहीं होता, मैं डाइकॉटिलेडंस नहीं कन्फर्म हो गया, तो गेहूं को लेकर चलेंगे तो एंजियोस्पर्म ये भी है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है, जिम्नोस्पर्म होता तो नेक्ड सीड होता, जिम्नोस्पर्म के ऊपर क्या होता है, नेक्ड सीड, ये हो गया एंजियोस्पर्म, ये हो गया मोनोकॉटिलेडंस, एक दाल वाला ही, इसमें दो दाल नहीं हो सकते, इसमें अगर फाँक करेंगे दो भागों में नहीं डिवाइड होता, दो दाल इसके नहीं बनते, मोनोकॉटिलेडंस है, पोएल्स है ये, इसका ऑर्डर कौन है, पोएल्स, पोएल्स, और फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, इधर देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, समझ रहे हैं ना, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये कौन है, स्पीसीज, जीनस स्पीसीज है, ट्रिटिकम जीनस है, एस्टिवम स्पीसीज है, याद रखिएगा, इतना बात आपको याद करना है। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है,
क्वेश्चन पूछ देगा इसमें दे दे देखिए मैंगो फेरा इंडिका का ऑर्डर है, मैंगी फेरा इंडिका का ऑर्डर है, अब उसी में देगा पोएल्स दे देगा, साइपंडेल्स दे देगा और कौन एल्स दे देगा, कौन एल्स और दे देगा, हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइपंडेल्स पोएल्स इतना ज़्यादा हो जाइए, बस समझ रहे हैं ना। अब अगली बात मैं जो बता रहा हूँ उसको भी सुनिए, फाइल ऐसे याद करना चाहते हैं कैसा देखिए, कार्डेटा हो गया, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मैमेरिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, ऑर्डर देखेंगे प्राइमेटा, डिप्टेरा और साइपंडेल्स और पोएल्स, होमिनिडी में होमिनिडी, मस्किडी और एनाकार्डियेसी और पोएसी, होमो मस्का, मैंगीफेरा, टिटिकम और क्या है ये होमो सैपियंस हो गया, मस्का डोमेस्टिका हो गया और जो है क्या है मैंगीफेरा इंडिका हो गया, टिटिकम अस्टिवम हो गया, एक टिटिकम ऑटमनियस भी होता है, टिटिकम ऑटमनियस लेकिन वो अलग है, तो लेकिन हम आपको उसको को नहीं बता रहे हैं। हो गया यहाँ तक, बोलिए इरेज करें इसको अब। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो देखिए, हाँ सुनो, इसके बाद जो पढ़ना है उसको देखिए, पहली बात ICZN का फुल फॉर्म जान लीजिए, ICZN क्वेश्चन पूछता है इंटरनेशनल कोड किसके लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर, नामन क्लेचर ये इसका किसके लिए है। हाँ साहब देखो इधर, इसके क्या करने के लिए होता है ये, ICZN क्या करता है, ICZN यह जूलॉजिकल नेम के लिए है, जूलॉजिकल कौन, जूलॉजिकल नेम बायोनामियल के लिए, बायनामियल के लिए। देखो इधर ये नियम बनाता है, जैसे अभी आपने देखा एग्जांपल, जैसे देख लीजिए ये एनिमल का नाम लेने के लिए, एनिमल का नाम लिखवाने के लिए पहला नाम जो आता देता है वो नाम को चेंज नहीं कर सकता, पूरे वर्ल्ड में वही नाम पढ़ा जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लिए बायोलॉजिकल नेम एक होगा और कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, अगर चेंज होगा तो पूरे ICZN से चेंज होगा, हल्का फुल्का चेंजिंग कर सकते, हमारी बात समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे जूलॉजी में देखिए, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ये कौन है, ह्यूमन बीइंग, बोलिए है ना होमो सेपियंस। दूसरा एग्जाम्पल तो ये कौन हो गया, जीनस, ये कौन हो गया, स्पीसीज। एपिस इंडिका आप जानते हैं, इसको बोलते हैं हनी बी,
कौन है? हनी बी, शहद की मक्खी। अगला एग्जांपल, एनिमल का इधर प्लांट किसमें नहीं लग सकते आप, क्योंकि आइसोजेटन है, जूलॉजिकल नामेनक्लेचर के लिए, बॉटनिकल नामेनक्लेचर अलग होगा। एग्जांपल देखिए और भी, सिंपल बता दें यार क्या फायदा। स्फेनोडॉन पंक्टेटम, नाम सुने इसका? स्फेनोडॉन पंक्टेटम का नाम बता दिए कोई? इसके पास तीसरी आंख होती है शंकर भगवान की तरह, इसके पास तीसरी आंख होती है, इसको बोलते हैं कहाँ पाया था? केवल न्यूजीलैंड में, रेयर स्पीसीज है ये। तू अतारा, ये लिजार्ड एक्ट हो, कौन लिजार्ड है? थ्री आई वाला, एक आँख पिनियल आई होता है, उस पर डालेंगे गूगल पर तुरंत खट से आ जाएगा, यहीं पे तीसरी आँख होती है, ठीक है? देखो जिसे एक आँख ही, देखो इधर एक आँखी एक ठीक पुराना है, आप देखो उसी को बोलते पिनियल आइस, यहाँ पे देखेंगे पिनियल आइस, इसीलिए इस पर रिसर्च चल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इस पर बहुत तेज़ से रिसर्च, एक एक बुकलेट ही पढ़ाई जाती है उसके लिए। न्यूजीलैंड पाया था केवल 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 न्यूजीलैंड में, खाली इसका नाम स्फेनोडॉन पंक्टेटम लिखें तुरंत खट से आ जाएगा। तू अतारा नाम लिखे तब वो आ जाएगा, फिगर इमेज ना मिला स्फेनोडॉन पंक्टेटम, कभी मिला नहीं रहा इन लोग के। नेक्स्ट फ्लिबोटोमस अर्जेंटिपस, कल तो मुझे बताए थे फ्लिबोटोमस अर्जेंटिपस, जानते इसका नाम क्या है? सैंड फ्लाई, जिससे होता है काला अजर फैलाता है, जो क्या फैलाता है? काला अजर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट कालाजर फैलाता है, काज नहीं करता। ये तो हो गया आईसीजेडन। अब आईसीबीएन देखो, और भी आपको जानते कल पैंथेरा टिग्रिस पैंथेरा लियो फेलिस डोमेस्टिका करिस फेमिलिस बास बुबालस बास इंडिकस, एक तो नाम लिख दो जो कॉमन नेम है, आप कहेंगे सर जी बॉस बॉस बॉस, क्या बॉस? इधर देखिए बॉस एग्जाम्पल है, बास इंडिकस, ये जीनस है स्पीसीज, इसको बोलते हैं काऊ बास इंडिकस। बास इंडिकस हो गया, ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है कुछ लोगों का, अरे बहुत सारे ढेर सा इतना एक झगुआ कोई मतलब नहीं उसका है, पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। एनसीईआरटी में जितना एनसीईआरटी में खाए उतना याद करिए, यही सब बहकाने के लिए हम लिखे हैं आपको। क्लासिफिकेशन सबका नंबर वहाँ है यार, इरेज करें नहीं इरेज करें? ये किसके लिए है? एनिमल का नामेनक्लेचर के लिए, किसके लिए है? एनिमल का नामेनक्लेचर के लिए है। दूसरा देखिए आईसीबीएन, हाँ ये दूसरा है, इंटरनेशनल
नेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लेचर हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लेचर। ये किसके लिए है? फॉर बायोनामियल नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ प्लांट, प्लांट के लिए बायोनामियल नेमिंग ऑफ प्लांट। ये को याद कर रहा है, रट मारे हो, ये कोड में है। एग्जाम्पल जैसे फिर देखे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामन क्रेचर आप लिख रहे तब भी घबराइएगा मत, कैंसर जी कहाँ ऐसा लिख दिए, कोई मतलब नहीं, सही है वो। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामन क्रेचर, क्योंकि एक जगह आप है लिखा हुआ, एक जगह फार लिखा गया, आप तो लगे कैंसर जी आप कहाँ लिख दिया गया, अब लिख सकते हैं। यह देखिए बायोनामियल नामन क्रेचर प्लांट का एग्जाम्पल, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, महंगी फेरा इंडिका, ये पढ़े ही आप। किसका नाम है? मैंगो का। एग्जाम्पल नंबर टू है सोलेनम ट्यूबरोसम। कौन है ये? पोटैटो हो गया। ट्रिटिकम अभी लिखें, एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम मतलब व्हीट, गेहूं। यहाँ पे लिखना है सामने ये जीनस है, ये स्पीसीज है। कौन है ये? जेनरा। ये कौन है? स्पीसीज। कोई टेंशन? और एग्जांपल एक ठो आप पढ़े हुए हैं, आप बुक में है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पापा और सामनी फेरम, पापा वैरेसी फैमिली का है, पापा वैरेसी फैमिली का, जैसे आपको बनता है पापी प्लांट इसको कहते हैं, इससे क्या बनता है? सीडेटिव ड्रग्स, नहीं समझे? नहीं वो तो हाथ से उसे बनता है नहीं है। हाँ हेरोइन बनता है, हो गया उस बनता है, स्मैक ब्राउन शुगर उसे बनता है, एस्टाइलेशन प्रोसेस हो गया। इधर देखिए एग्जाम्पल, दवाई वाला बताते रहे, पापावर पापावर सामनी फेरम पापी प्लांट इसको बोलते हैं, इससे अफीम निकाला जाता है, पापी प्लांट अफीम निकाला जाता है। एनाल जैसी दवाएं बनाई जाती हैं, पेन किलर, इरिथ्रोजाइलम कोका, याद आया? इरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन जिससे बनता है, कोकेन
ट्वेल्थ वाले में सब है, लेकिन उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो बता दे बहुत इतना है। हो गया? तो मैंने क्या बताया आपको, एक मैंने बताया ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर। क्या करेंगे इसमें, एनिमल का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? एनिमल का, बोलिए ना। फिर किसको लिखेंगे? ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लेचर, बोटेनिकल नाम लिखेंगे प्लांट का। किसका नाम लिखेंगे? प्लांट का नाम लिखेंगे, बोटेनिकल नामनक्लेचर। जैसे लिखा है फॉर बायोनॉमियल नेमिंग ऑफ प्लांट, एक के शब्द में कुल बता दे रहे हैं। तो ये हो गया मैंगी फेरा इंडिका, सोयनम नाइग्रम, सोलम ट्यूबरोसम, ट्रिडिकम एस्टिवम और पापावर सामनी फेरम, बहुत सारे इसे हैं एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद वह सरसों का नाम जैसे पता आ जाता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस याद आया, लेकिन आपको बुक में है नहीं जादो। रोज़ का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, लेकिन ज़्यादा याद करो पगला जी, कोई मतलब है नहीं। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल एड। अच्छा लो, हमें ही कुछ लिख दे रहे हैं, उसको करिए। दे रहे लिख पाएंगे क्लासिफिकेशन? चलिए टाइगर का लिखिए, टाइगर का क्लासिफिकेशन करिए। हम लिख दे रहे हैं कैसे, फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, एक दो तीन चार पाँच छः, किंगडम लिखो ना, जानने का कोई मतलब नहीं है। लो दिखाओ तो करके खट से, जल्दी करके दिखाओ, नकल मार्ग नहीं देखना है। देखिए क्या याद करे कल के, कापी जो पढ़ाया जाए उसको रोज जाकर दोहरा लिया करिए, फिर एक हफ्ते बाद किताब कापी में मैच करा के तो फिर दोहरा लिया करिए। ये तरीका पढ़ने का है, कुछ चीज़ें कापी में बढ़िया लिखी होती है किताब में नहीं लिखी, कुछ किताब में बढ़िया लिखी होती कापी में लिखी होती, इससे दोनों मैच जब करके पढ़ेंगे बहुत बढ़िया लगेगा आपको। कल पढ़ाए ऐसा हम इसको, चलो हो गया। जल्दी लिखो, किंगडम में क्या लिखे, फाइलम क्लास, हाँ मैमेलिया आर्डरटा आर्डर कार्निवोरा, सही पकड़े उसने यहाँ तू, कार्निवोरा फैमिली
जीनस, पैंथेरा टिग्रिस, यही जरा यहीं पर क्लासिफिकेशन कर दे, इसी में फाइलम में इसे सामने लिखना है, ये सामने 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है। चलो बिल्ली का कर दो, कैट का, कैट का करो, हाँ सेम नहीं है, कैसे कर दो सेम है जबरी। मुन्नगर लिखो, काम लिखे ही बताओ, क्लास इंस्ट्रक्टर सेम 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 खाली फेलिस हो गया, डोमेस्टिक बढ़िया लिख दे, डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका हो गया, ऐसे लिखना होता है, हो गया। अगर यहीं पे किसका है दे, डाक का, लो अब लिखो, अब डाक का लिखो, कितना चेंज होगा, कहाँ कहाँ क्या चेंजिंग होगा, हाँ बस सेम 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 सेम, फैमिली में कानडी होगा, जीनस कानिस, स्पीसीज फेमिलियरिस, देखो बन गया, ऐसे क्लास वगैरह करते जाते हैं, अगर आपको आता है तो सब कुछ कर ले जाए, कानिस फेमिलियरिस हो गया। क्वेश्चन कहीं से घुमा के पूछे आप लिख सकते हैं, इरेज करें, ए बात ना करो, बात ना करो, बिना बात के, नो टॉकिंग, स्टैचू की तरफ पढ़ा करो, और घर जाकर रिवीजन किया करो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम, अपने आप बता रहे हैं। एक हमारे फ्रेंड के स्टूडेंट बच्ची थी, तैयारी कर रही थी, 2 साल तैयारी की, मेडिकल में नहीं हुआ, बीएससी कर रही थी, बीएससी में जैसे स्कूल डमी स्कूल से नहीं होता है, नाम लिखा करते रहते हैं, जगह छोड़ दी 2 साल 3 साल की, लेकिन बायोलॉजी को बड़ा स्ट्रांग, फिजिक्स का थोड़ा वीक था, फिजिक्स वीक था, इसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एमएससी करने के बाद तुरंत वैकेंसी आई, पीईटी की तुरंत भरी, एकदम खट से, आप जानते कौन था पोजीशन, 8वां पोजीशन ऑल ओवर यूपी में, 8वां पोजीशन ले लिया। अब इंटर का लेक्चर बन गया, देखो बैक टांग घूमती है इसे, 1 लाख रुपये जेब में आता है, ओके 7-8 साल हो गया, हर साल 5,000 का इंक्रीमेंट आता है, और जब तक बुढ़ाएगी तब तक 2.5 लाख महीना पाने लगेगी, क्या चाहिए, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सोचने की ज़रूरत है, बोलिए गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सब कुछ यही है, इरेज कर दे रहे हैं हम आप,
नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद क्या है? हर्बेरियम है, हर्बेरियम। हाँ, टैक्सोनॉमिकल एड्स में ही सब कुछ आता है। हर्बेरियम इधर देखो, हर्बेरियम ये सब पकाने वाली चीज़ें हैं। खाई सुन लीजिए, हर्बेरियम किसे कहते हैं? एच ई आर ही है, एच ए आर है, देखो उसको बुक में देखिए, एच ई हर्बेरियम। हाँ ठीक, ये में हर्बेरियम में क्या करते हैं, देखिए प्लांट के, प्लांट जो होते हैं, सुनिए, प्लांट के पत्ती को या होल प्लांट को क्या करते हैं, उसको देखो किसी से प्रेस कर देते हैं। ये सब याद करने की चीज़ नहीं, दिमाग लगाने की चीज़ है। प्रेस कर देते हैं, जैसे आपने किताब है, आपके काफ़ किताब है, कहाँ मत कॉपी आया तो अपना, जैसे इनकी कॉपी है ला हम दो, अरे पत्ती तोड़ के ले जाओ, बगल में पत्ती है, जाओ तोड़ तोड़ के लेके आओ। इनकी कॉपी है देखिए, ये अब इसकी कॉपी में देखे, एक पत्ता देखे, पेड़ में आधा उखाड़ लिए हो, छोटा हो गया, तो ऐसे दे देखो, ऐसे करके इसी में रख देंगे, ऐसे प्रेस कर देंगे। अब वो कहो चार छः दस दिन रहे तो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, लेकिन एकदम सेफ सेम रहेगा। अब उसको क्या करेंगे, हर्बेरियम फाइल में उसके बोटेनिकल नेम के साथ, कॉमन नेम के साथ, फैमिली के साथ, आर्डर के साथ, समझ रहे हैं ना, और वही यार कौन दिन इसको क्या किए थे, आपने किस दिन आपको इसको वो किया था, क्या बोलते हैं, हाँ लाओ बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कंपाउंड लीफ है, ये क्या है, कंपाउंड लीफ, देख लीजिए। अब इतना बड़ा ताप की कापी मटेगा नहीं, लटेगा नहीं, हटेगा तो क्या करेंगे, इसको फेंक दिया, इसको ले लिया, लेने के बाद एकदम ऐसे कापी के बीच में सीधा रखेंगे, ऐना कैसे जैसे मन तैसे रख दो, ऐसे रखेंगे एकदम शुद्ध करके खूब अच्छे से, ये जैसे मेहंदी लगाती हैं लड़कियाँ वैसे, ये देखो हो गया, एकदम शुद्ध करके रखे ना। अब इसको कुछ करना नहीं है, धीरे से अभी दूर हो जा रहा है, अब धीरे इसको क्या किए, प्रेस कर दिए। अब प्रेस करके रख दिए इसको कई दिन के लिए, चार छः दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, ताकि पूरा इसमें का वो सूख जाए, जब सूख जाएगा तब प्रेस हो जाएगा। अब उसके बाद हार्बेरियम फाइल में लीजिए, हार्बेरियम फाइल सूख जाएगा, वो जाएगा तो हार्बेरियम फाइल पे इसको क्या करेंगे, लगा देंगे, बोटेनिकल नेम उसका लिखेंगे, कॉमन नेम उसका लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, आपने कलेक्ट किया अपना नाम देंगे, डेट कौन डेट के कलेक्ट कर रहे हो ये देना पड़ेगा, ये हार्बेरियम इसको रख दिया जाएगा। छोटे छोटे होंगे तो प्लांटें पूरा उखाड़ लेते हैं, बड़े होंगे तो प्लांट की पत्तियाँ रखते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जैसे अब आपको चीनो पोडियम रखना, बथुआ इतना बड़ा बेचारा, उखाड़ के पूरा प्लांट में जड़ सही रख दे, वो अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन अब कहो नीम की पत्ती, नीम ये उखाड़ के प्लांट में रख दे, अपने किताबी में रखाइए वो, हाँ रखा जाएगा। इनका छोटकी पत्ती, छोटकी पत्ती अब पहले एक के ओके उगई हैं, उगा के तब उसके बाद तब रखेंगे। अब इतना काम कर्म करें क्या जरूरत है, पत्ती तोड़ रख दिया तब मतलब हो जाएगा। ये है हर्बेरियम, इसमें आज लिखना जरूरी है, हर्बेरियम बताना लिखना जरूरी है। हर्बेरियम क्या होता है, ड्राई प्रेस प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स। ए सुनो जी, ड्राई प्रेस्ड प्लांट्स और आर प्लांट पार्ट्स क्या कहता है, केप्ट फॉर स्टडी, प्रिजर्व रखा केप्ट इन स्टडी, कहाँ पे, स्कूल कॉलेज में। इसमें क्या क्या रखते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ कलेक्शन,
नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर मतलब कौन कलेक्टर आ गए सर, नेम ऑफ कलेक्टर्स कलेक्ट करने वाले का नाम, प्लेस कहाँ से खोजे रहे, पहाड़ पर से लाओ जमीन के अंदर से ढूंढ के लाओ कि पानी में से लेके आओ, प्लेस बोटेनिकल बोटेनिकल नेम, कॉमन नेम, फैमिली, ऑर्डर भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, नहीं फैमिली तक रख के छोड़ सकते हैं, समझे, ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं आप, नहीं आता तो कोई बात नहीं, फैमिली तक तो जरूर लिखना है, ठीक, ये आप जान लीजिए। ये है हर्बेरियम, बोलिए भाई, किस दिन आपने कलेक्ट किया वो दिया जाता है, किस दिन आपने कलेक्ट किया वो दिया जाता है, कलेक्टर का नाम दिया जाता है, प्लेस कहाँ से लिया था, बोटेनिकल नेम दिया जाता है, कॉमन नेम दिया जाता है, फैमिली दिया जाता है, क्या करने के लिए, फार लिखे ऊपर, स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, बोलिए भाई, पहली बात हो गई हर्बेरियम के विषय में, दूसरी बात इरेज कर दें इसको, बोलिए भाई इरेज करें, हो गया बेटा, देखो इधर हाँ बैठ जाओ, नेक्स्ट क्या है, म्यूजियम, हाँ पहले बोटेनिकल गार्डन है जो भी है यार लिख पढ़ना सब है बोटेनिकल गार्डन, हाँ ठीक यार हो गया, चाहे ऊपर नीचे कोई से कोई मतलब, पढ़ना आपको है ये है बोटेनिकल गार्डन, एड क्यों सुनो, बोटेनिकल गार्डन इसमें क्या होता है, लिविंग प्लांट, याद रखिएगा इसमें लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, वेराइटीज डिफरेंट वेराइटीज कहाँ रखे गए हैं, आप डिफरेंट वेराइटीज आर ग्रो विथ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नेमिंग, नेमिंग के साथ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग के साथ लेबलिंग भी करते हैं, लेबलिंग भी करते हैं, लेबलिंग भी लिख दीजिएगा, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, गार्डन कहाँ पे है, क्यू इन इंग्लैंड, ये के डब्ल्यू है देखो, क्यू इंग्लैंड में, याद कर रहे हो, लार्जेस्ट इन इंडिया,
इन इन वर्ल्ड बता रहा हूँ मैं, ये इन वर्ल्ड है। इन इंडिया कौन है, इंडियम कौन है बताइए। हावड़ा बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में, कोलकाता में है, हावड़ा में। बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में भी है। राजनाथ या उसमें हम ये कर देते हैं, नहीं वो तो अलग है। हावड़ा वाला दिया कि नहीं, हावड़ा कहाँ है ये, कोलकाता, कोलकाता यार, इंडिया में हम जनपे करते सब जानता है। कौन कौन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, बुक में दिया है देखो, तो रॉयल ही इसका नाम होगा। हावर्ड हावड़ा में रॉयल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में कोलकाता। देखो इधर, ये बड़ा इंडिया में है। अम्मा हिया देखो, रॉयल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में। और देखो NBRI, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें हमारा स्टूडेंट है, इसमें साइंटिस्ट है। NBRI में हमारा जो है स्टूडेंट साइंटिस्ट है। अगर कोई बॉटनी से किया होगा ठीक ठाक अच्छा हो तो हम रिसर्च भेज सकते हैं। NBRI नेशनल बोटेनिकल, अम्मा क्या बोलते ना काम में करें, जो समझ में आपसे पूछो, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये पूरा नाम है इसका। कहाँ पे है ये, लखनऊ, LUC के लखनऊ, हो गया लखनऊ में है ये। इसी ने CDRI नहीं क्या किया था, जैसे NBRI है नितिन पटेल का, ऐसे CDRI एक ठो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी लखनऊ में है, जिससे सहेली बनाया गया था। यहीं पर याद कर लियो, दिमाग में आ जाएगा बातें। CDRI लखनऊ में भी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पर जान लीजिए, यहाँ पे CDRI आगे पढ़ाएंगे हम। ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कौन बना था, कौन बना था, नॉन स्टेरॉयडल, क्या बना था, सहेली, कंट्रासेप्टिव पिल्स है, लेकिन उस पर हमको अभी तो ये बताना है। बोलिए, इसके बाद क्या पढ़ाना है, म्यूजियम, इरेज कर दें इसको। तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, क्यू इंग्लैंड में। यहाँ पे इंडिया में आपके कौन है, हावड़ा में जो पाया जाने वाला है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा में कोलकाता, और NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इरेज कर दें, नहीं इरेज करें,
इसके बाद कौन सा है? जू है क्या? म्यूजियम। अब म्यूजियम देखिए, कल नहीं बेचारे खड़े हैं, बहुत परेशान हैं। हो गया, यहीं पे छोड़ दीजिए, कल मुलाकात फिर होगी हमारी। कल की परसों? दो दिन आपकी छुट्टी कर देते हैं, चलते हैं बाहर।